हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा वीडियो में आपका स्वागत है गाइज। तो आइए, हम आपको एक पौधे के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ गाइज। ये मेरे घर के बाहर ये पौधा सेउंड का है, जो हम लोग सीज के नाम से भी जानते हैं गाइज। ये बहुत ही अच्छे पौधे हैं और बहुत ही ये ग्रोथ करने वाली पौधे हैं, और ये जड़ से नहीं लगते हैं, इनका टहनियाँ लगाई जाती है गाइस। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये पौधे आपको किस तरह से लगा सकते हो घर में, और ये इनको लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। इसकी जड़ को हींग के साथ आप पीस कर बच्चों की पेट पर लेप लग करने मात्र उदर सूल में लाभ मिलता है गाइस, और इनके बहुत सारे फायदे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताते हैं आपको कि आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। और यदि किसी के दांत हिल रहे हो तो बस इनके दूध को हिलते हुए दांत पर लगाएं और लाभ देखें। दांत सहजता से गिर जाएंगे, आराम से गिर जाएंगे, और इनके दो पत्ते को केवल आग पर गर्म कर थोड़ा हाथों से मसल कर रस निकाल कर थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पिए और खांसी में आराम मिलता है गाइज। और इनके बहुत सारे फायदे हैं। सुंढल के गुद्दे को सरसों के तेल में पकाकर और गुद्दे को तेल में अच्छी तरह मिक्स करके लगाने से लाभ होता है, और एड़ियों में फटे हुए उनको दरार भरने में भी बहुत मदद होती है। कच्चे फोड़ों को पकाने के लिए इसका पत्ता सरसों का तेल लगाकर आग में गर्म करके फोड़े पर बांधने से फोड़ों पककर फूट जाता है। और भी इनके बहुत सारे गुण हैं गाइस। ये सिउंड का पत्ता, सिउंड का टहनी से बहुत लाभ के दर्द में इसके पत्तों को आग पर गर्म करके जब पत्ते कुम्हला जाते हैं और मुलायम पद जाते हैं, उनका पानी या रस निचोड़ कर 2-3 बूंद कान में डालने से आराम होता है। भी इनके बहुत सारे गुण हैं दोस्तों। तो आइए, हम आपको बता रहे हैं कि इनको आप और भी किस तरह से ले सकते हो। तो आप इसको दूध का प्रयोग तेल में मिलाकर कर और उस तेल को पकाकर आप छान कर एक जिम्मा त्वचा व दांत और सोराइसिस पर लगाने में करते हैं। इससे त्वचा के रोगों ठीक हो जाते हैं। दूध के प्रयोग के अन्य तरीके भी हैं, लेकिन कभी भी इसका ताज़ा दूध रस जवान पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दूध में कब्ज को दूर करने का गुण है। इसका 2-5 बूंद दूध भुने चने के पाउडर में मिलाकर आप इसको गोली बनाकर खाने की कब्ज दूर कर सकते हैं। और यह भारत के हर एक स्थान पर पाया जाता है। इसका तन बेलनाकार और पत्ते लंबे, आगे से गोलाएं लिए चम्मच के आकार के होते हैं। ये कैक्टस के पौधों में की वैरायटी का है। इसे दूध या लैक्टस पाया जाता है। कम पानी में भी जिंदा रहता है। और भी इनके बहुत सारे गुण हैं, और इनको कान के दर्द में भी आप इनको पत्ते को तेल लगाकर आप पीछे कान पट्टी के पीछे आप चिपका सकते हो। इनके बहुत सारे गुण हैं। सेउंड का पौधा आप अपने घरों के बाहर ज़रूर लगाने, इससे नज़र गुज़र भी बहुत ही दूर हो जाते हैं, और बुरी नज़र भी आपको घर पर आने नहीं देती है। इनके बहुत सारे फायदे हैं गाइस। ये आप सेउंड का गाछ आप घर के अंदर भी लगा सकते हो, गमले में भी लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे पौधे हैं।
और इनका गुण जानकर आप तो बहुत ही आश्चर्य हो सकते हो। मैंने देखिए इस पौधे को घर के बाहर अपने दरवाज़ा के पास अच्छी तरह इस तरह मैंने चबूतरा बनाकर लगाई है और ये पौधे देखिए कितने अच्छे तरह से ग्रोथ किए हैं। इनके पत्ते हरे हरे हैं और इनके फायदे बहुत सारे हैं और इनमें नुकीलादार बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, इसलिए ये बुरी नज़र से हम लोग को बचाती है। और आप भी इस पौधों को एक टहनिया काटकर ज़रूर लगाएं। अपने दरवाज़ा के पास लगाने से आपका भी घर का बुरी बलाए आने वाला जो कुछ भी हो वो आप दूर कर देगी। सेवन का पौधा बहुत ही बढ़िया पौधा है आपको और बहुत ही इनके पत्ते लाभकारी हैं। मैंने तो आपको सारा पत्ते टहनियाँ और इनके के बारे में मैंने बता चुकी है गाइस। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप इस पौधे के बारे में जानकारी अवश्य लें और ये पौधे आप अपने घर में जरूर लगाएं। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आप जहाँ गाछ बीच देखते हैं उस बाजार में मार्केट से आप लाकर इस पौधे को घर में जरूर लगाएं। यदि संभव है तो आप घर के बाहर बाएं तरफ आप इस पौधे को अवश्य लगाएं क्योंकि मैंने इस पौधे को घर के बाएं दिशा में मैंने लगाई है और ये पौधे जानकर आप अचकित हो जाओगे। इसलिए आप इस पौधे को देखकर हैरान हो जाओगे कि किस तरह बने हुए हैं और कितने बढ़िया तरीके से ये पौधे ग्रोथ की है और ये कम पानी में भी हो जाती है गाइस। इसमें पानी डालने का ज़रूरत भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरह से ग्रोथ कर देती है। और ये वीडियो मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।